जिन्हें तुम फजूल याद कह रही हो ना, उससे जिंदगी संवरती है। अपने फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले और हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज वो लोग करते हैं जिनकी जिंदगी में कोई कमी हो तो कर सकता है। ये हॉरोस्कोप, ये सितारों की चाल इंसान को मदद देता है मुस्तकबिल के बारे में बेहतर फैसला करने के लिए, ताकि ऊपर नीचे कुछ ना हो। सबरीना, सबरीना, तो ये वीडियो आपके लिए है। यकीनन आप भी ड्रामा सीरियल चाल सीजन 2 की स्टोरी जानने में दिलचस्पी रखते होंगे। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ सीजन 2 की स्टोरी शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जियो टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल चाल नाज़रीन की जानिब से ज़्यादा पसंद करने के बाद हम ड्रामा सीरियल चाल सीज़न 2 लिखने के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूंगा, लेकिन आखिर में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार भी ज़रूर देना है कि क्या ड्रामा सीरियल चाल सीज़न 2 बनना चाहिए या नहीं। जैसे कि आप लोगों ने पहले सीजन में देखा कि शाइस्ता की असलियत शौकत के सामने आ जाने के बाद दोनों के रिश्ते में दरारें पैदा हो चुके हैं, लेकिन एक जानिब अगर रुबाब और सिकंदर दोनों अपनी नई खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ कर देंगे तो दूसरी जानिब अलेना और राहिल दोनों के बीच भी तमाम दरारें ख़त्म होकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे पर एतमाद करने लग जाएंगे। लेकिन अब राहेल कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसको उसके सामने अपनी वालदा की असलियत खोल चुकी है, तो अब वो मज़ीद अपनी ही वालदा के साथ रहना नहीं चाहेगा और अलेना से कहेगा कि मैं नहीं चाहता कि मज़ीद कोई हंगामा हो। अब तक हमने अपनी ज़िंदगी बहुत बर्बाद कर दी है इन लड़ाइयों और साजिशों में, अब मज़ीद मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। शौकत भी राहिल की इस बात से इतफाक़ कर देगा और कहेगा कि तुम्हारी वालदा पर मुझे एतमाद नहीं। इस कदर घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाने के बाद इस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए आप दोनों अलग घर लेकर अलग रहे। दूसरी जानिब शौकत ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि जिस सबीन पर खुर्रम की जानिब से लगाए हुए इल्ज़ामात की वजह से उसको शौकत ने सज़ा सुनाकर उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, वही सबीन आज तक उसी के वजह से तन्हा ज़िंदगी गुजार रही है और शौकत के सिवा आज तक उसने अपनी ज़िंदगी में किसी और को जगह नहीं दी। इसलिए शौकत दोबारा से सबीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन शाइस्ता अब भी मिन्नतें करती रहेगी शौकत के सामने और उसको सबीन से दूर रखने का कोशिश कर रही होगी। लेकिन अब शौकत के दिल में शाइस्ता के लिए कोई जगह नहीं होगा और उसका यही इरादा होगा कि वो किसी तरीके से सबीन को मना कर उसके साथ शादी कर सके। उधर सबीन और समी दोनों के बीच भी ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं। अब सबीन समी के साथ शादी करने के लिए समीर के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो चुकी है, लेकिन अब शौकत ऐसे होने नहीं देगा और एक बार फिर सबीन के साथ बाहर मुलाकात करके उसे शौकत कहेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद होने नहीं दूंगा। आज तक आपने मेरी गलती की वजह से जितनी अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्त बर्बाद कर चुकी हो, मज़ीद मैं आपको कोई भी गलत फ़ैसला करने नहीं दूँगा। अगर उसी वक्त आप किसी समीर के साथ या किसी के साथ भी शादी कर ली थी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन इल्ज़ाम से बचने के लिए आज तक मुझे खोने के बाद आपने अपनी सारी ज़िंदगी तन्हा बर्बाद कर दी है, तो अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ और किसी और का होने नहीं दूंगा, क्योंकि शाइस्ता की असलियत
मेरे सामने खुल चुकी है। इसमें गलती शाइस्ता की नहीं बल्कि मेरी है कि मैंने आपका यकीन नहीं किया उस वक्त, और शाइस्ता की बातों में आकर आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। शाइस्ता का फिर भी शौकत पर खड़ी नज़र होगी क्योंकि उसको इस बात का अब यकीन हो चुका है कि उसकी असलियत उसके सामने खुल जाने के बाद वो हर सूरत में सबीन को अपना कर ही रहेगा। दूसरी जानिब रुबाब और सिकंदर की ज़िंदगी इंतहाई खुशगवार होगी। रुबाब काफ़ी अरसा घर पे गुजारने के बाद सिकंदर से कहेगी कि मैं घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं कोई एक्टिविटी करना चाहती हूँ जिसमें मैं मसरूफ़ रहकर अपना टाइम पास कर सकूँ। जिस पर सिकंदर कहेगा कि इससे अच्छी बात क्या है कि आप भी ऐसा सोचती हो, मैंने सोचा है एक इदारा खोलने के लिए जिसमें हम बेसहारा लोगों को सहारा देकर उसको चलाएंगे, और मैंने ये काफ़ी अरसे से सोचा था लेकिन ज़िंदगी के मज़ीद तलखियों में मसरूफ़ होकर मैंने इस काम के लिए टाइम नहीं दे सका, लेकिन अगर अब आप इस काम में मेरा साथ दे रही हो तो ये फलाही काम है, इसमें आपको भी सवाब मिलेगा और आप मसरूफ़ भी रहोगी। दोनों इस बात पर इत्तेफाक कर देंगे, लेकिन जब सिकंदर अपना और रुबाब दोनों का ये फ़ैसला समी को सुनाएगा तो वो भी इंतहाई खुश हो जाएगा कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है। उधर फारूक की अगर बात किया जाए तो काफ़ी अरसे के बाद होश में आ जाने के बाद दोनों पाँव और हाथों से माजूर हो जाएगा, हत्ता कि वाशरूम भी खुद नहीं जा पाएगा, खाना पीना भी खुद से नहीं खा सकेगा। उसकी वालदा उसकी खिदमत करती रहेगी। एजाज साहब कुछ अरसे तक अपने घर की कफालत करने के बाद दुनिया से चला जाएगा, जिसके बाद रूबीना और फारूक दोनों घर में अकेले रह जाएंगे। इधर रूबीना अपने जवान बेटे फारूक को इस हालत में घर में अकेले छोड़कर कहीं कमाने के लिए जा नहीं सकेगी, बिलाखिर मजबूर होकर वो दोनों भी अपना घर बेचकर किराए के घर पर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ अरसे तक घर के पैसे ख़त्म हो जाने के बाद फारूक और रूबीना दोनों बेसहारा घर में शिफ्ट होने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी दौरान तक रुबाब और सिकंदर फारूक के बीच कोई भी रابطہ नहीं हो सकेगा क्योंकि फारूक तो चलने फिरने से कासिर होगा और अपना घर भी बेचकर कई और शिफ्ट हो चुका होगा किराए पर। कई मर्तबा रुबाब अपने पुराना वक़्त याद करके उसके घर की जानिब चक्कर लगाएगी, लेकिन उसको कोई भी नज़र नहीं आएगा। बिलाखिर घर के पैसे ख़त्म हो जाने के बाद फारूक और रूबीना दोनों बेसहारा घर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसको रुबाब चला रही होगी, और इस हालत में फारूक को देखकर हैरान रह जाएगी। रूबीना ही फारूक को व्हीलचेयर पर बैठा कर बेसहारा घर में दाखिल कर रही होगी, जहाँ रुबाब पहले से मौजूद होकर उनका इंतज़ार कर रही होगी। फारूक फौरन रुबाब को देखकर पहचान जाएगा और रुबाब भी फारूक और उसकी वालदा को इस हालत में देखकर उन पर तरस खाकर उनको तमाम सहूलतें अपने बेसहारा घर में मुहैया कर देगी। नासरीन, अगर अब तक आप हमें सुन रहे हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मज़ीद स्टोरी जानने के लिए स्क्रीन पर नज़र आने वाला थंबनेल के ऊपर क्लिक करें।